मुझे रागिनी शर्मा कहते हैं और मैं यहाँ उदयपुर में रागिनी शर्मा एडवोकेट के नाम से जाना जाती हूँ। इस प्रोफेशन में मैं लास्ट 30 ईयर्स से जुड़ी हुई हूँ। रोज नए नए लोगों से मिलना, उनकी समस्याओं को सुनना, उनकी समस्याओं के सॉल्यूशन के लिए नए नए कानून पढ़ना, रोज नए नए कानूनों से हमारा इंट्रोडक्शन होना, ये सब चीज़ें वो हैं जो कि हमें रोज सुबह में होते ही हमें लगता है कि आज हमें फिर से कुछ करना है। कभी भी मैंने थकान का अनुभव नहीं किया, केवल इस प्रोफेशन के कारण। मेरे जीवन का तो यही मंत्र है कि लाइफ इज वेरी ब्यूटीफुल, लाइफ इज लाइक अ फुटबॉल, इसे ज्यादा बहुत ज्यादा गंभीरता से नहीं जीना चाहिए। जो भी आ रहा है लाइफ में उसे स्वीकार करिए, जो भी हो रहा है उसे स्वीकार करिए। एक्सेप्ट द पीपल, पर्सन एंड इंसिडेंट्स, डोंट बी फुटबॉल ऑफ अदर्स ओपिनियन एंड लिव इन प्रेजेंट ओनली। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हंसी है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ। मुझे रागिनी शर्मा कहते हैं और मैं यहाँ उदयपुर में रागिनी शर्मा एडवोकेट के नाम से जाने जाती हूँ। इस प्रोफेशन में मैं लास्ट 30 ईयर्स से जुड़ी हुई हूँ। रोज नए नए लोगों से मिलना, उनकी समस्याओं को सुनना, उनकी समस्याओं के सॉल्यूशन के लिए नए नए कानून पढ़ना, रोज नए नए कानूनों से हमारा इंट्रोडक्शन होना, ये सब चीज़ें वो हैं जो कि हमें रोज सुबह में होते ही हमें लगता है कि आज हमें फिर से कुछ करना है। कभी भी मैंने थकान का अनुभव नहीं किया, केवल इस प्रोफेशन के कारण। देखिए, मैंने अपने करियर की जो शुरुआत की थी वो एक टीचर की तरह से की थी, टीचर के रूप में। और मैं चूंकि महिलाओं के लिए बहुत काम करना चाहती थी और महिलाओं के लिए मैंने बहुत काम किया भी है, तो मुझे लगना लगा कि हमको महिलाओं को एजुकेशन के साथ में हमें उन्हें कानून से भी जोड़ना चाहिए। तो मैंने मेरी शादी के बाद में फिर LLB की और अपने बच्चों के साथ ही अपने करियर की शुरुआत की थी। करियर में मुझे शुरुआती दौर में तो बहुत दिक्कतें आई थी, क्योंकि एक महिला को एक एडवोकेट के रूप में देखना और वो भी डिफेंस लॉयर के रूप में देखना, लोगों की स्वीकृति नहीं थी इसमें। वो चाहते थे कि महिलाएं ठीक है कोर्ट में आती हैं तो डायरी उठा के घूमे, लेकिन आर्ग्यूमेंट नहीं करे, नए लोगों से नहीं मिले, क्रिमिनल्स से नहीं मिले, पुलिस वालों से बात नहीं करे। तब मुझे थोड़ा सा दिक्कत आई थी, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर हम सही काम करते हैं, अगर हमारा पथ सही हो तो हमें लोग बहुत जल्दी स्वीकृति भी दे देते हैं। मेरा जन्म एक छोटा सा गांव है डूंगरपुर जिले में, पीठ। मेरे पापा जब पाकिस्तान विभाजन हुआ था तब कराची से पापा मम्मी लोग इंडिया आ गए थे और पापा की जॉब एज ए डॉक्टर पीठ में थी, तब मेरा जन्म हुआ था पीठ में। और मेरी शुरुआती जो शिक्षा है वो गांव से ही हुई थी, ऐसे स्कूल में जहाँ की दरी पट्टियाँ नहीं थी और पढ़ने वाली भी एकमात्र मैं ही लड़की थी। इवन कॉलेज में भी पढ़ने वाली बहुत कम लड़कियाँ थी, उनमें से मैं भी एक थी। तो मुझे लगता था कि ये शिक्षा का प्रसार लड़कियों में भी होना चाहिए, सभी लड़कियाँ पढ़नी भी चाहिए। जब मैंने देखा कि लड़कियों में एजुकेशन भी आ गई है लेकिन खुद के राइट्स के प्रति अवेयर नहीं है, तो मुझे लगने लगा कि नहीं, ये अवेयरनेस भी लड़कियों में लानी होगी। तो मैंने एज ए एडवोकेट काम शुरू करना शुरू किया। इसके बाद मैंने महिलाओं की काउंसलिंग शुरू कर दी, गांवों में कई सारे अपने शिविर भी लगाए, मैंने पर्सनली अपने व्यक्तिगत स्तर पर कई सारे शिविर लगाए, लड़कियों को कानून से जोड़ा, लड़कियों को लॉ के बारे में बताया, उनके जो भी नए नए एक्ट आए, जैसे अभी 2005 में नया एक्ट आया था डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का, निर्भया केस में 2013 में जो आया था, और अभी भी जिस तरह से नए नए कानून आते जा रहे हैं महिलाओं के लिए या महिलाओं की संपत्ति संबंधित जो भी डिस्प्यूट थे उनके बारे में अभी भी मैं काउंसलिंग करती हूँ, शिविर लगवाती हूँ, सभी लोगों से मिलती हूँ और व्यक्तिगत रूप से मैं इसमें बहुत ज़्यादा रुचि लेती हूँ।
देखिए मेरा बचपन गांव में जरूर निकला था, लेकिन हमारे घर का वातावरण बहुत ही शिक्षित लोगों का था। मेरे पापा खुद डॉक्टर थे, मेरी मम्मा बहुत पढ़ी लिखी थी, मेरे सारे ब्रदर सिस्टर सब पढ़े लिखे और धार्मिक विचारों वाले थे। मुझे अक्सर याद आता है कि मेरी मम्मा हमें रामायण की और महाभारत की कहानियाँ सुनाती थी, और बचपन में मैंने गांधी जी को बहुत पढ़ा। हालांकि मेरी उम्र बहुत छोटी थी, लेकिन मैं गांधी के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ती थी, तो गांधी जी से मैं बहुत प्रभावित थी। और एक घटना मुझे बहुत याद आती है, जब मैंने अपने पिताजी को अपनी कोई समस्या रखी थी, तब मैं मात्र 12-13 साल की होंगी, तो मेरे पापा ने कहा था कि हारिए ना हिम्मत, बिसारिए ना राम। मैंने सोचा कि अगर मेरे पापा ने ये बात कह दी है कि हारिए ना हिम्मत, बिसारिए ना राम, तो मुझे ज़िंदगी में कहीं भी हिम्मत को नहीं हारना है। और मेरा मतलब राम से यही है, खुद से है, कि खुद में जो हमारा आत्मबल है उसे हमें नहीं छोड़ना चाहिए, हमें अपने आत्मबल है उसे हमेशा बढ़ाते रहना चाहिए। और इसमें मुझे सबसे ज़्यादा योगदान मिला श्री श्री रविशंकर जी का। देखो, जब हम जिम्मेवारी नहीं लेते हैं तो हम कंप्लेंट्स करने लग जाते हैं, लेकिन लाइफ में जब हम अपनी जिम्मेवारी को बढ़ा लेते हैं, हमारी जिम्मेदारी लेने की क्षमता बढ़ जाती है, तो हमें दुख भी नहीं होते, फिर तकलीफें नहीं आती हैं। इसलिए मैंने ज़्यादा से ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी, अगर घर में था तो घर के प्रति मैंने अपनी बहुत जिम्मेवारी ली, प्रोफेशन था तो प्रोफेशन के प्रति मैंने बहुत जिम्मेवारी ली। केवल मात्र ये नहीं कि मैं लॉयर हूँ और मैं अपना टाइम पास किया, बल्कि मैंने जहाँ पे भी ज़रूरत पड़ी वहाँ पे मैंने अपने जिम्मेवारी को पूरा किया। मैंने अपने ऑफिस आवर्स पूरे दिए, अपने घर में जो भी जिम्मेवारी थी बच्चों के प्रति हो रही है, लेकिन फिर भी कभी कभी थोड़ा सा स्थिति डावाडोल हो ही जाती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उस समय मैंने बहुत धैर्य रखा और उस धैर्य का प्रतिफल ये रहा कि मैं अपना घर भी अच्छे से संवार सकी और प्रोफेशन भी अच्छे से संवार सकी। तो हमें धैर्य रखने की बहुत ज़रूरत है, हमें बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है, या हमें एकदम से किसी रिटर्न को एकदम से नहीं मिलना चाहिए, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमें अभी ही कोई रिटर्न मिल जाए। देखिए, मेरा व्यक्तिगत रूप से ये मानना है कि हम सब लोग एक दूसरे पे निर्भर करते हैं, कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र नहीं होता। जैसे समाज में लुहार है वो सुथार पे निर्भर है, सुथार है वो किसी और पे निर्भर है, या ऐसा कोई नहीं कह सकता कि हम बिल्कुल सुथार, क्योंकि हम एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं। तो मैं मेरी फैमिली पे डिपेंडेंट थी, तो मेरे बच्चे भी मेरे पे डिपेंडेंट रहे, उनको भी उनका करियर जब बनाना था तो वो मुझे ही कहते थे कि मम्मा हमें आप हमें पुणे भेजिए पढ़ने के लिए या बाहर भेजिए। तो हम परिवार और मैं, हम दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट थी। मैं चूँकि आर्ट ऑफ लिविंग में मैं टीचर हूँ, श्री श्री रविशंकर जी ने मुझे टीचर बनाया हुआ है, तो हम लोगों ने जैसे ही कोरोना शुरू हुआ हमें आश्रम से गाइडलाइन मिल गई थी, और हमने उसी समय जूम मीटिंग और सारी मीटिंग जो ऑनलाइन मीटिंग्स थी उसकी ट्रेनिंग हमने ले ली थी। वो सारी ट्रेनिंग जो मैंने ली थी आर्ट ऑफ लिविंग के आश्रम से, वो सारी ट्रेनिंग मेरी यहाँ पर काम आई प्रोफेशन में। जब भी हमें जूम कॉल आते थे या वीडियो कॉल आते थे या मेल करते थे, वैसे मैं प्रैक्टिस में थी, आई वॉज इन प्रैक्टिस इन ऑल द ऑनलाइन मीटिंग्स, तो ये मुझे काफ़ी हेल्पफुल रहा कि मैंने अच्छे से सारा अपना काम कर लिया था। इसके अलावा मैंने कोरोना में सभी लोगों का मॉरल ही बहुत डाउन हो रहे थे और हेल्थ भी, वो काफ़ी लोगों को परेशानी भी आ ही रही थी, तब हमने ऑनलाइन क्लासेस लेकर के लोगों को योगा और मेडिटेशन से जोड़ा था, जिसमें यहाँ के SP साहब ने बहुत सहयोग किया, पुलिस अधिकारियों को हमने 4-5 कोर्सेज दिए थे, RNT मेडिकल कॉलेज में कोर्सेज दिए थे। इसके अलावा हमने जहाँ पर भी हमें ज़रूरत महसूस हुई थी वहाँ पर आर्ट ऑफ लिविंग की तरफ से खाने पीने की व्यवस्था भी करवाई थी, और मैंने दिन में 3-3, 4-4 कोर्सेज लेकर, जो कि मोर देन टू आवर्स होते हैं, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्टैक्ट में रही, और लोगों ने इस बात को स्वीकार किया कि ये जो आर्ट ऑफ लिविंग आपने कोर्स कराया, योगा और मेडिटेशन और सुदर्शन क्रिया सिखाई थी, उसके बाद से उनकी मानसिक स्थिति काफ़ी अच्छी रही। मैंने जैसा कि आपको बताया कि ऑनलाइन मेरी प्रैक्टिस शुरू थी, मेल हम रोज करते थे, सारा हमारा ड्राफ्टिंग मेल से होता था। इसके अलावा मैंने योगा क्लासेस वगैरह ली। हाँ, एक बात ज़रूर है कि मैंने इस प्रोफेशन में अपनी फैमिली को खा इतना टाइम नहीं दिया होगा जितना मैंने कोरोना काल में दिया था। तब मैंने जब भी टाइम मिलता था मैंने अच्छे से डिशेज वगैरह बनाई थी,
और ये जो आप कह रहे हैं कि हाथ धोने की बात और ये सारी बातें, ये बहुत अच्छा हुआ कि कोरोना में हम सब लोग अपने पुराने जो हमारे आदतें थी उसकी ओर लौटे। तो कोरोना हालांकि एक महामारी के रूप में विश्व में आया था, लेकिन कुछ अच्छी बातें भी सिखा गया था जो कि एक तरह से हमारे पुराने युग की पुनरावृत्ति थी। देखिए, मैं तो जो भी नए लॉयर्स आ रहे हैं, चाहे वो लड़के हो या लड़कियां, क्योंकि एक जब लॉयर बनते हैं तब इससे जेंडर का डिफरेंस नहीं होना चाहिए, इससे ऊपर ही आना पड़ेगा हमको। तो ज़्यादा से ज़्यादा कानून के टच में रहें, किताबें पढ़ें ज़्यादा से ज़्यादा, और जो भी आपके पास नया केस आता है आप उसको ऑनलाइन भी देख सकते हैं, आप उसे इंटरनेट पे पूरा उसका कानून समझ सकते हैं, किताबों से समझ सकते हैं, और आप जो भी काम करते हैं उसको सेवा की भावना से करें। अगर आप सेवा की भावना से करते हैं किसी काम को तो उसमें थकान भी कम होती है। सेवा की भावना से करें, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, मेहनती बने, और अपने जो भी सीनियर से या जो भी किताबें में जो भी नए केसेस डिसाइड हो चुके हैं उन केसेस को जरूर से पढ़ें, तो वो आपके लिए हमेशा एक गाइडलाइन रहेगी कि उस केस में ऐसा हुआ था तो हम उस इस केस में उस चीज़ को इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि किसी भी कानून का दोनों तरफ से उपयोग किया जा सकता है, कंप्लेनेंट साइड से भी किया जा सकता है, एक्ट साइड से भी किया जा सकता है। तो ये हमारी स्किल है कि हम उसको किस तरह से यूज़ करते हैं। एक बार जब मैं विक्टिम के वकील होती हूँ, सेम टाइम में दूसरे एक्टिविस्ट की वकील होती हूँ और ऑफेंस वही होता है, तो ये फिर हमारी स्किल होती है कि हम कानून को किस तरह से हमारे क्लाइंट के फेवर में रख सकते हैं। और जितना हो सके उतना हमें अपने काम के प्रति बहुत गंभीरतापूर्वक रहना चाहिए, काम को बहुत सिंसियरली करना चाहिए, और जितना भी हो सके मैक्सिमम हमें फालतू की कोई बात नहीं करनी है। कोरोना जो हमें सिखा के गया है वो पैटर्न हमें पूरी ज़िंदगी अपना के रहना पड़ेगा। देखो, सब चीज़ें अपनी अपनी जगह महत्वपूर्ण होती है, एजुकेशन अपनी जगह महत्वपूर्ण है, परिवार अपनी जगह महत्वपूर्ण है ना, रिलेशनशिप अपनी जगह महत्वपूर्ण है, सबकी अपनी अपनी जगह पर इम्पोर्टेंस होती है। हमें ये देखना, ये हमारा विवेक है कि हम ये देखें कि अभी हमें किस चीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी है। जब मैं ऑफिस में काम करती हूँ तब आई फॉरगेट माई फैमिली, बट वेन आई एम इन माई फैमिली आई फॉरगेट माई ऑफिस। लॉ को देखो, हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस में तो हम कैसे उसको यूज़ करें, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि हमने भी केस किए या हम पे भी केस हुए हैं, लेकिन जो हम अभी तक केस लड़े हैं, हमने जो भी जिन जिन लोगों के केस लड़े हैं, जो जो हमारे पास फाइलें हैं, वो हमें ज़रूर अनुभव देता है इस बात का कि हमें आगे आने वाले केस को कैसे हैंडल करना है। जब मैं किसी चीज़ को लीड करती हूँ तो मेरे आसपास के लोगों के प्रति मैं बहुत ज़्यादा अवेयर हो जाती हूँ कि किसी को कोई नई चीज़ अगर उनके दिमाग में आ रही है तो वो मुझे ज़रूर बताएं। और मेरा मानना है कि देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ लिसनिंग। फर्स्ट है जब हम हेड टू हेड कन्वर्सेशन करते हैं, या फिर हम हेड टू हार्ट करते हैं, या हार्ट टू हार्ट करते हैं। तो इन माई प्रोफेशन देयर इज हेड टू हेड कन्वर्सेशन इज नेसेसरी, बट समटाइम्स वी यूज अवर हार्ट बिकॉज वी आर ह्यूमन बीइंग। मेरा प्रोफेशन में, मेरा ऐसा लगता है कि प्रोफेशन में कोई रोल मॉडल रहा नहीं, क्योंकि हमारे जो रोल मॉडल होते हैं, जिसे हम कहते हैं कि हमारा रोल मॉडल है, वो हम खुद होते हैं। हम जो खुद से, हमारी जो खुद की जर्नी होती है वो हमारा रोल मॉडल होती है जी। हमें पता है कि हमारे सामने ये परिस्थिति आई तब हमने इस परिस्थिति से ऐसे निपटा था, हमें पता होता है कि हमारे सामने ये केस आया था तब हमने इसे ऐसे निपटा था। मैं व्यक्तिगत रूप से किसी व्यक्ति का नाम नहीं ले सकती हूँ कि मेरा रोल मॉडल कौन रहा, लेकिन मैं ये जरूर विश्वास करती हूँ कि कोई ना कोई एक ऐसी शक्ति है, अदृश्य शक्ति है, जो कि हमें हमेशा गाइड करती रहती है, और हमें अपना विवेक का जहाँ उपयोग करना होता है उसके लिए हमें इंस्पायर करती है। अगर टाइम पे मैं पीछे चली गई तो ज़रूर से अपने पेरेंट्स के साथ रहूँगी, अपने भाई बहनों के साथ रहूँगी, और अपना बचपन वापस जीऊँगी। और जहाँ तक डिसीज़न की बात है, डिसीज़न कभी गलत नहीं होते, आपको उनको कंप्लेंस करने का तरीका गलत हो सकता है,
क्योंकि कोई भी डिसीजन लेने में गलती इसलिए नहीं कर सकता है कि वो अपना नुकसान कोई नहीं करेगा। अगर कोई डिसीजन लेकर के अपना नुकसान करता है, इसका मतलब ये है कि उसमें विवेक नहीं है। मैं देखिए आफ्टर माय वर्क मैं खाना भी बनाती हूँ, कुक भी करती हूँ, मैं योगा मेडिटेशन क्लासेस भी लेती हूँ, और आई एम अ राइटर, मैं पोइट्री लिखती हूँ, मैं स्क्रिप्ट लिखती हूँ, मैं लोगों को जो लॉ स्टूडेंट होते हैं उनकी क्लासेस लेती हूँ मेरे ऑफिस में, मेरे ऑफिस में ही मैं इन लोगों को योगा और मेडिटेशन भी सिखाती हूँ। तो आई एंजॉय माय लाइफ, शॉपिंग करती हूँ, खाना खाने जाती हूँ, लोगों के साथ घूमती हूँ, बच्चे मिल जाते हैं बच्चों के साथ घूमती हूँ, खूब अच्छे से एंजॉय करती हूँ लाइफ को। मेरे जीवन का तो यही मंत्र है कि लाइफ इज वेरी ब्यूटीफुल, लाइफ इज लाइक अ फुटबॉल, इससे ज्यादा बहुत ज्यादा गंभीरता से नहीं जीना चाहिए। जो भी आ रहा है लाइफ में उसे स्वीकार करिए, जो भी हो रहा है उसे स्वीकार करिए, एक्सेप्ट द पीपल पर्सन एंड इंसिडेंट्स, डोंट बी फुटबॉल ऑफ अदर्स ओपिनियन एंड लिव इन प्रेजेंट ओनली। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ। हेलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ यू वॉन्ट टू कॉन्टेक्ट मी, डाउनलोड द फॉर्म। दोस्तों, ये थी एक ऐसी महिला की कहानी जिन्होंने समाज हित के साथ साथ विशेषकर महिलाओं के हित में परोपकार की कई सराहनीय कार्य किए। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं उदयपुर में एक फेमस फीमेल डिफेंसलर रागिनी शर्मा की, जिन्होंने अपने देश में महिलाओं की स्थिति पर चिंता जताई और समाज में महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए एक बेहतरीन रास्ता अख्तियार किया। इसी के साथ कोविड महामारी के दौरान भी इन्होंने समाज के गरीब तबके तक भोजन और कपड़े जैसी जरूरत की कई चीजें पहुंचाकर अपनी ओर से मदद के हर संभव प्रयास किए। दोस्तों, राजस्थान के डूंगरपुर के पीठ गांव में जन्मी रागिनी शर्मा की शुरू से ही पढ़ाई में अधिक रुचि थी। ये एक ऐसे परिवार से ताल्लुक रखती है जो भारत पाकिस्तान विभाजन के ठीक बाद भारत में ही बस गया। पढ़ाई में अधिक रुचि होने के कारण इन्होंने हर परिस्थिति में अपनी पढ़ाई जारी रखने का निर्णय लिया। स्कूली शिक्षा गांव से पूरी की। स्कूल में उस वक्त ये अकेली ऐसी लड़की थी जो पढ़ाई में इतनी ज्यादा दिलचस्पी दिखाया करती थी। अपनी क्लास में ये इकलौती लड़की थी। दोस्तों, बचपन से ही ये इतनी खुश नसीब रही कि हमेशा परिवार ने इनके सपनों का पूरा समर्थन किया। जहां लड़कियां उस वक्त शिक्षा से वंचित थी, ऐसे में रागिनी शर्मा सामाजिक दबाव और न्यूनतम संसाधनों सहित कई बाधाओं का सामना करने के बाद सर्वोत्तम संभव शिक्षा प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित थी। इनका मानना था कि महिलाओं को भी शिक्षित होने का समान अधिकार है और उन्हें इसका लाभ जरूर उठाना चाहिए। फिर इन्हें जब ये महसूस हुआ कि शिक्षा प्रणाली में महिलाओं को शामिल करने के बाद अभी भी एक बड़ी महिला आबादी है जो अपने अधिकारों से अवगत नहीं है, ऐसे में इन्होंने विशेषकर गांव के लोगों के बीच शिक्षा के महत्व को बढ़ावा देने के लिए कई अभियान चलाए और महिला शिक्षा से संबंधित ऐसे हर कार्यक्रम में हिस्सा लेकर हर संगठन में सक्रिय रूप से अपनी भागीदारी निभाई। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक शिक्षिका के रूप में की और बस तभी से ये महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देती आ रही है। इन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखते हुए LLB भी की और जब इन्होंने एज अ फीमेल डिफेंस लॉयर अपना करियर शुरू किया तब कई लोगों ने इनका विरोध भी किया। इनकी जॉब प्रोफाइल को इंडियन सोसाइटी ने स्वीकार करने से मना कर दिया, लेकिन तमाम बाधाओं के बावजूद ये अपनी ईमानदारी और दृढ़ संकल्प के मार्ग पर चली और एक सक्सेसफुल लॉयर बनी। 30 साल बाद आज ये एक फेमस डिफेंस लॉयर होने के साथ साथ एक लेखिका, कवियत्री, शिक्षिका और एक योग गुरु है। हमेशा अपने जीवन में आशावादी रही और विपरीत परिस्थितियों में भी आत्मविश्वास बनाए रखा। उसी का परिणाम है कि आज इन्होंने इतनी सफलता हासिल की है। हमेशा श्री रविशंकर जी की शिक्षाओं से प्रभावित रही है, साथ ही
इनके लिए एक और प्रभावशाली व्यक्तित्व है गांधी जी, जिनके उपदेशों को समर्पित कई किताबें और लेख इन्होंने पढ़े हैं। तो दोस्तों, ये थी रागिनी शर्मा, इनके निजी और पेशेवर जीवन से जुड़ी वो खास बातें जिनका जिक्र इन्होंने हमारे साथ किया। दोस्तों, अगर आपको इनकी ये प्रेरणादायक कहानी पसंद आई है तो जल्दी से इसे लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए, और अपनी कहानी भी हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए, और आप भी अपनी कहानी से समाज में एक पॉजिटिव मैसेज दें। दोस्तों, फिलहाल वक्त हो चला है आप सभी से इजाज़त लेने का। फिर मिलेंगे आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दिलचस्प कहानियाँ। नमस्कार।